नमस्कार, गीता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नुक्छी। आइए हम बताते हैं नुक्छी में क्या क्या पड़ेगा। देखिए, हमने 300 ग्राम बेसन ले ली है और हल्दी पाउडर ले ली है, धनिया पाउडर ले ली है। और देखिए, इसमें 2 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी और काली मिर्च जीरा ले ली है आधा आधा चम्मच, और ले ली है 3 प्याज और 5 मिर्चे और अदरक ले ली है, टुकड़ा कर ली है, और लहसुन 8-9 कली ले ली है। अब इसको हम पहले फेंटें। देखिए, अब हमें बेसन को पहले घोलना है, जैसे कढ़ी वाला बनता है इसी तरह से इसको ऐसे घोलना रहेगा। ऐसे हम इसको घोल बना दिए हैं, अभी 5 मिनट हम उसको रख देंगे तो फिर सेट हो जाएगा। इसके बाद में हम पकौड़ी इसके निकालेंगे। देखिए, बेसन मेरा तो अभी सेट हो रहा है और हम इसके पहले मसाला पीस लें। अब इसमें हम डालेंगे सारे, देखिए सब डाल दिए हैं, जो प्याज लहसुन मिर्च अदरक ली थी। इसमें हम धनिया पाउडर भी डाल देंगे और हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। और जो हम ये मसाला ली थी, खड़ी मसाला, जो जीरा मिर्च बड़ी इलायची दालचीनी, इसको हम ज़रा धुल कर फिर इसमें डालें। देखिए, हम जीरा और काली मिर्च अब इसमें डाल दिए धुलकर। अब हम पानी थोड़ा सा डाल दें। अब इसको हम ग्राइंड कर लें पहले। देखिए, मसाला मेरा पिस गया है। अब इसको हम बाउल में खाली कर लेते हैं। गैस को ऑन करते हैं हम और हम कढ़ाई को गर्म कर लें पहले। देखिए, कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। इसमें पकौड़ी तलना रहेगा ना, तो सरसों का तेल अच्छा लगता है सब्जी में। देखिए, तेल मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें हम ऐसे पकौड़ी की तरह बड़ा छोट जैसे भी हो जाएगा, वैसे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसको भी तोड़ना रहेगा। तो ऐसे हम इसको इतना बड़ा बड़ा पहले बना लेंगे। ये सब्जी मेरे यहाँ शादी में जब हल्दी रहता है तो ज़रूर ये सब्जी बनता है। देखिए, ऐसे हम इसको पलट देंगे, सेम कढ़ी वाली जो पकौड़ी होती है उसी तरह रहेगा। देखिए, ऐसे हमने इसको छान ली है। देखिए, ऐसे हम सारे बना लिए हैं। अब पहले मसाले को भून लें हम। इसी तेल में हम सब्जी भी बना ले रहे हैं। पहले डालेंगे जीरा और डालेंगे तेज पत्ता, बस इतना ही डालना है तड़के में। अब इसी में हम डाल देंगे जो हम मसाला पीसी थी इसको। मसाला भुनने में अभी 10 मिनट बाकी है। आइए अब हम इसको तोड़ लें पकौड़ी को। देखिए, इसको ऐसे ही तोड़ा जाता है, यही नियम इसका है। चाहे हलवाई बनाते हैं शादी ब्याह में और चाहे अपने घर में बनाओ, ऐसे ही बनता ही है ये सब्जी। हम लोग के कास्ट में अक्सर करके बनता है शादी में। आइए अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल दें। देखिए, और इसको ऐसे हम तोड़ते रहें। देखिए, इसी तरह से इसको ऐसे तोड़ा जाता है, ऐसे ऐसे इसको तोड़ना तो इतना परफेक्ट बनेगा नहीं। भाई, छोटी छोटी पकौड़ी बनाकर डालो तो इतना परफेक्ट नहीं बनेगा जो तोड़ने में बनता है। देखिए, मसाला जब तैयार हो जाए तो इसमें हम इसको डालकर तैयार करेंगे। देखिए, मसाला भुन गया है, साइड में तेल निकलने लगा है। अब इसे सब्जी को, जो बेसन की पकौड़ी है, इसको हम ऐसे करके डाल देंगे ऐसे। इसके बाद धीम फ्लेम करके फिर हम ऐसे चला देंगे। देखिए, अब इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं 1 गिलास ऐसे। खाने में बहुत टेस्टी रहता है। जितना हम मसाला डाले हैं इसका मात्रा बिल्कुल परफेक्ट था। ऐसे ही डालिएगा आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। देखिए, ऐसे बराबर
चलाते रहना है, नहीं तो नीचे पकड़ने लगता है, जलने लगेगा। ऐसे चलाकर भून लेना है। वैसे हो गया है, 5 मिनट और। देखिए सब्जी मेरा अब बन गया है, रेडी हो गया है। ऐसे रहता है सब्जी, और इसमें हम ज़रा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। देखिए हमारे नुक्छी का सब्जी बनकर तैयार हो गया। आप इसको सर्व कर सकते हैं रोटी और चावल दाल से, जो भी कर सकते हैं। और ये जो दो फल्ली वाली रोटी होती है, कोर कहा जाता है, उसी के साथ ज़्यादा ये सब्जी खाया जाता है। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।